नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कानाफूसी और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस बार हम कई सारी रोचक और चटपटी खबरें लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। ۔2017 के चुनाव में कांग्रेस ने एक नारा दिया कि 29 साल यूपी बेहाल, लेकिन अब 34 साल हो गया और कांग्रेस बेहाल है। कांग्रेस के पास कोई चमत्कारिक नेता नहीं है, कोई ऐसा भी नेता नहीं मिल पाता कि जिसको वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए। 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है उनको। अब कांग्रेस बहुत कुछ बसपा के सहारे उत्तर प्रदेश में बची है, या यूँ कह सकते हैं आप कि कांग्रेस अब उधार के नेताओं से काम चला रही है। कांग्रेस पर नीला रंग चढ़ रहा है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कांग्रेस की जो नई टीम है उसमें बसपा से आए हुए नेताओं का वर्चस्व है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जिन बृजलाल खाबरी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो बसपा में बहुत लंबे समय तक कांसी राम और मायावती के साथ काम कर चुके हैं। बसपा से ही वो दो बार सांसद भी रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जो नई टीम है, इसमें मुखिया के अलावा जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वहाँ भी बसपा से आए हुए नेताओं को काफ़ी महत्व मिला है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो बसपा में दिग्गज नेताओं में शुमार थे, अब उन पर कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में है। ये ज़रूर है कि कांग्रेस ने जिन दिग्गज नेताओं को मौका दिया और उन पर भरोसा जताया है, उनका कैडर भले बसपा हो लेकिन वो मेहनती नेताओं में गिने जाते हैं। वो संगठन को खड़ा करने वाले नेताओं में रहे हैं और जहां भी रहे वो उच्च पदों पर रहे, भरोसेमंद रहे नेतृत्व के और बहुत लंबे समय तक रहे। ये अलग बात है कि आज वो कांग्रेस में हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एकदम जमीन पर है, उसके पास न विधायक बचे हैं न सांसद बचे हैं, संगठन भी बेहद कमज़ोर है, गिनती के लोग बचे हैं। तो ऐसे में बृजलाल खाबड़ी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे, ये जो तीन नेता हैं, ये कांग्रेस को कितना आगे बढ़ाएंगे ये आने वाले 2024 के चुनाव में लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये एक बात साफ है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा नेता जो बसपा से 4 बार मंत्री रहा हो, आधे से ज़्यादा सरकार वो चलाते थे, मायावती के बहुत भरोसेमंद थे, और जब से वो कांग्रेस में आए हैं उन्होंने अपनी मेहनत से पार्टी को खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। नसीमुद्दीन एक अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं। उनके टिप्स पर नेताओं के नाम हैं, विधानसभा सीटों की स्थितियाँ हैं, काफ़ी सियासत का उनका लंबा अनुभव है। दूसरी ओर नकुल दुबे ब्राह्मण समाज के नेता हैं, वो भी बहुत लंबे समय से मायावती के साथ रहे, सतीश चंद्र मिश्रा के करीबी रहे। जब बसपा ने उन्हें निकाला तब वो कांग्रेस में आए और प्रियंका और राहुल गांधी ने उनका स्वागत भी किया। 6 महीना के लगभग पहले वो कांग्रेस में आए हैं, लेकिन उनको प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि पीसीसी का जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हुआ है बृजलाल खाबरी, वो मूलतः बसपा कैडर के रहे हैं, जालौन के रहने वाले हैं। कांसी राम के ज़माने से वो काम करते रहे, मायावती के साथ काम किया और आज वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस में इस बात को लेकर थोड़ा रंज है, नेताओं में तकलीफ है कि बाहरी नेताओं को तरजीह दे दी गई, पूरा संगठन उत्तर प्रदेश का उनके हवाले कर दिया गया, बसपा का नीला रंग कांग्रेस के तिरंगे पर हावी हो गया है। हालांकि कुछ लोग इसको नीति से जोड़ते हैं, लेकिन बृजलाल खाबरी का दलित होना उनके पक्ष में जाता है। अगर हम उनके थोड़ा इतिहास पर नज़र डालें तो मायावती ने उन्हें 2016 में पार्टी से एक बार निकाल दिया था। बृजलाल खाबरी उसके बाद उनकी फिर वापसी हुई बसपा में और वो एक बार सांसद रह चुके थे तब जालौन से। फिर मायावती ने उनको राज्यसभा का सांसद बनाया, बाम सेफ कैडर में रहे हैं,
कई राज्यों के वो बसपा में प्रभारी रहे हैं, लो प्रोफाइल में रहते हैं, सामान्य नेता हैं, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के पंजे में इतना दम नहीं बचा कि वो अकेले दम पर खुद लड़ सके विरोधी दलों से, खासतौर से भाजपा से। तो ऐसे में उसको बसपा से आए हुए नेताओं के ताकत की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, और कांग्रेस का जो तिरंगे का रंग था वो नीला होता जा रहा है। हालांकि लखनऊ में बसपा और कांग्रेस कार्यालय की दूरी भी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी है, और ये निकटता उधर से कोई उस गेट से निकलता है और आकर इधर इस गेट में शामिल हो जाता है, तो ये भी एक सुखद है कांग्रेस के लिए कि कुछ ना कुछ जहां नेताओं का अभाव है वहां कुछ बड़े नाम तो कम से कम उनकी पार्टी में आ ही जा रहे हैं, भले ही वो बाहरी हो। जब आप किसी राज्य की ब्यूरोक्रेसी को समग्र रूप में देखते हैं तो वहां पर दो ध्रुव आपको देखने को मिलेंगे, एक आईएएस अफसरों का, एक आईपीएस अफसरों का। आईएएस अफसरों को हर मामले में ऊपर माना गया है, जबकि आईपीएस के साथ ऐसा नहीं है। दोनों आते एक समान सेवा से हैं, एक समान प्रतिभा के लोग होते हैं, उतनी ही मेहनत और परीक्षा देकर आते हैं, लेकिन अधिकारों में बड़ा अंतर हो जाता है जब वो फील्ड में काम करने आते हैं। आज फिर एक बार बात यूपी पुलिस के ऐसे अफसरों की जिनमें ऊपर की जगह में काफ़ी भीड़ हो गई, लिहाजा नीचे के लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि ऊपर जगह खाली हो तो हम प्रमोशन पाकर आगे पहुँचें। यूपी पुलिस में आज बात आईजी से एडीजी बनने वाले अफसरों की है, उनको इस साल प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। सीनियरिटी जब बढ़ती है तो अधिकारी चाहते हैं कि वो प्रमोशन हो, वो एसपी पे, फिर डीआईजी पे, फिर आईजी, एडीजी और डीजी रैंक में जाएं। आईएएस में पूरे के पूरा बैच एक साथ प्रमोट होता है, वहाँ पद हो या ना हो उसका एक अलग व्यवस्था है, लेकिन पुलिस वालों के साथ ऐसा नहीं है। उसके पीछे टेक्निकल कारण भी है। बात यह है कि इस साल आईजी रैंक में कई सारे अफसर हैं जो 1998 बैच है, उसको प्रमोट होना था, लेकिन अक्टूबर का महीना आ गया और अभी तक इसके आसार नज़र नहीं आते, क्योंकि एडीजी के रैंक में अधिकारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यूपी में 21 पद एडीजी के सरकार ने चिन्हित कर रखे हैं, कैडर पोस्ट है, और इतने ही पद एक्स कैडर में भी सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, यानी कि 21 को वो 42 कर सकती है, तो वो एक साथ चाहे तो 42 अफसरों को आईजी से एडीजी बना सकती है, लेकिन यहाँ पर 50 एडीजी हैं इस समय, यानी कि जो एक्स कैडर पद है उससे भी 8 ज़्यादा हैं, तो एकदम हाउसफुल है, जगह खाली नहीं है, सीट खड़े होने की जगह नहीं, सीट की तो बात छोड़िए। तो अब जिनका प्रमोशन है एडीजी रैंक में वो आईजी बने हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊपर वाले जगह रोके हैं वो खाली करें तो हम आगे बढ़ें। कितनी विचित्रता है। हालांकि सरकार भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती, डीजीपी मुख्यालय भी क्या करे, किसी की जबरिया रिटायर तो कर नहीं सकता है, तो वो इंतज़ार हो रहा है कि भाई जब कुछ लोग रिटायर होंगे तब वो प्रमोशन दिया जाएगा। आखिर इतने अधिकारियों को प्रमोशन दे के ले के जाए कहाँ, और आखिर कुछ नियम कानून भी है कि कैसे हो। तो आज बात 1998 बैच के आईजी जो तैनात हैं उत्तर प्रदेश में उनकी हो रही है, जिसमें भगवान स्वरूप हैं और अमित चंद्रा हैं, लखनऊ के जेसीपी हैं पीयूष मोडिया हैं, पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर में हैं एसके भगत, यूपी में इस समय गृह सचिव के पद पर तैनात हैं बीडी पालसन, बनारस में आईजी हैं के सत्यनारायण, भर्ती बोर्ड में आईजी हैं पद्मजा चौहान। ये सब अधिकारी 1998 बैच के हैं, इनको एडीजी पद पर प्रमोशन होना है, लेकिन प्रमोशन मिल नहीं रहा है। अब खाली वैकेंसी दो आने वाली है, एक सीबीसीआईटी में एडीजी हैं दावा शेरपा, और प्रयागराज जोन के एडीजी हैं प्रेम प्रकाश। ये लोग 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद दो लोगों का इंतजाम हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबी लाइन है। इस कतार में लोगों को हो सकता है कि साल भर इंतजार करना पड़ जाए। तो बड़ी विचित्रता है, अतीत में
कुछ अफसरों को उपकृत करने के लिए अधिसंख्य पद बढ़ा दिए गए, एक्स काडर पोस्ट बढ़ा दी गई, लोग लाभ तो लेते गए लेकिन नीचे के लोगों का रास्ता रोक दिया। जिन लोगों ने लाभ लिया, जो 50 एडीजी बने बैठे हैं, उनमें उनकी दशा और दुर्दशा क्या है ये भी आप देख लीजिए। एडीजी दरोगा से भी कमज़ोर स्थिति में है, स्कूल में मास्टर बने हैं, वहाँ वहीं रहें वहीं खाएं, लखनऊ भी नहीं आ सकते, कहीं वीरानी में जंगल में तमाम ट्रेनिंग स्कूल बने हुए हैं, चाहे जालौन का ले लीजिए, चाहे मेरठ में ले लीजिए, कई और जगह सुल्तानपुर में पड़े हैं, बड़े बड़े बैच, बिल्ला, भारत की लाट, तलवार सब लगी है कंधे पर, लेकिन अधिकार एक विवेचक के बराबर भी नहीं है। तब तो अच्छा लग रहा था कि पद भले ना हो लेकिन हमें प्रमोट कर दो, आज प्रमोशन पा गए और स्कूल में पड़े हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, वहीं खाइए वहीं रहिए, किसी से मेल मुलाकात नहीं हो सकती। कहने को वो अगले डीजीपी भी हो सकते हैं इसमें से कई नाम, लेकिन आज उनकी स्थिति बेहद ख़राब है। तो ऐसा प्रमोशन भी किस काम का जो लोगों के हक को, अधिकार को दबा के लिया गया हो और अपने आप को भी खुद भी आनंद और आराम न दे पा रहा। बात एक बार फिर पुलिस की, और इस बार पुलिस में डीजीपी की जादुई कुर्सी की। उत्तर प्रदेश में डीजीपी का जो पद है वो वरिष्ठता और योग्यता के चक्कर में फंस गया है। इस कुर्सी को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है। मामला संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच सवाल जवाब में उलझा है। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद 11 मई को सरकार ने मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटा दिया था। तब से डीएस चौहान उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजी के रूप में काम कर रहे हैं। ये माना जा रहा था कि सरकार 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अस्थायी तौर पर डीजीपी तैनात कर देगी, लोक सेवा आयोग भी उसको मंजूरी दे देगा, लेकिन 30 सितंबर का समय बीत गया, संशय और बढ़ता गया, चर्चाएं चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन हो। सरकार की जो इच्छा है वो साफ है कि वो डीएस चौहान को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाना चाहती थी, लेकिन यूपीएससी उसकी राह में रोड़ा बन गया। अब तक उसने किसी के नाम का निर्णय न करके अस्थाई डीजीपी बनने की राह में तमाम सारे कांटे खड़े कर दिए। अब समस्या ये आती है कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी कैसे बनेगा और कब बनेगा और कौन बनेगा। विशेषज्ञ ये मानते हैं, उनकी दो राय है। पहली राय कि जिस दिन डेट ऑफ वैकेंसी हुई, यानी डीजीपी हटा, मुकुल गोयल जिस दिन हटे, उस दिन 11 मई को जो लोग सीनियर थे तीन लोग, उनके हिसाब से डीजीपी का नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाना चाहिए। तो उसमें अगर नाम जाएगा 11 मई की वैकेंसी के हिसाब से, तो उस दिन आरपी सिंह, जीएल मीना और राजकुमार विश्वकर्मा, ये तीन सीनियर थे, ये तीन दावेदार हो सकते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञ और जानकार ये भी मानते हैं कि जिस दिन संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा, उस तिथि से अगर जोड़ा जाए तो उत्तर प्रदेश में डीएस चौहान अस्थाई डीजीपी बन सकते हैं, वो वरिष्ठता में आ जाते हैं, क्योंकि तब तक आरपी सिंह और जीएल मीना, इनकी नौकरी 6 महीने से कम बचती है। आज की तारीख में तीन बड़े दावेदार हैं, राजेंद्र पाल सिंह जो इस समय डीजी ट्रेनिंग है, उनका रिटायरमेंट फरवरी में है यानी कि 2023 में, और दूसरे नाम पर हैं जीएल मीना, जीएल मीना तो जनवरी में रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर आते हैं राजकुमार विश्वकर्मा, उनका मई में है रिटायरमेंट। अगर प्रस्ताव भेजने के दिन से कैलकुलेशन माना जाए पद की रिक्ति, तो डीएस चौहान उसमें आ जाएंगे, उनका मार्च 23 में रिटायरमेंट है और सितंबर के पहले प्रस्ताव गया है, तो स्वाभाविक है कि डीएस चौहान को सरकार अस्थाई डीजीपी बना सकती है। हालांकि अब सबकी निगाहें संघ लोक सेवा आयोग पर टिकी हैं, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग ने मुकुल गोयल के मामले में जिस तरह से सरकार से सवाल जवाब किया था
और सरकार ने उस जवाब के पर जो एतराज लगाए उससे ये साफ है कि वो इतना आसानी से मानेगी नहीं। उसने अपनी मंशा साफ की है कि वो डीएस चौहान को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाना चाहती है। अब अगर कोई तीसरा नाम नया नाम आता है तब भी सरकार कोशिश करेगी कि चौहान रिटायरमेंट तक यूपी के डीजी बने रहें। इस मामले में आज जो अड़ंगेबाजी आपको देखने को मिल रही है उससे एक और याद ताज़ा होती है, जब सरकार अवनीश अवस्थी को उत्तर प्रदेश में सेवा विस्तार देना चाहती थी, जब वो एसीएस होम थे उस समय भी उनको सेवा विस्तार नहीं मिल पाया। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी जो केंद्र में बैठकर यूपी के अफसरों के राह में रोड़े अटकाते हैं, यही काम इस बार डीजीपी के पद को लेकर हो रहा है। इसको लेकर सत्ता के गलियारों में डीजीपी हेडक्वार्टर में तमाम सारी चर्चाएं हैं। तो अभी फिलहाल डीजीपी डीएस चौहान का रास्ता कुछ दिनों तक निष्कंटक है। योगी आदित्यनाथ के वो प्रिय बने हुए हैं। अब ये देखना होगा कि जो नया पैनल आता है उस पर सरकार क्या विचार और राय रखती है। पावर सेंटर में बात अब एक चर्चित अफसर की। कहते हैं कि कुछ लोगों का नाम बोलता है, कुछ लोगों का काम बोलता है। कुछ लोग इतने बदनाम हो जाते हैं ना तो कोई उनका नाम लेना चाहता है ना उनके कोई काम पर चर्चा करना चाहता है। एक साहित्यकार ने लिखा भी है कि तू जानता है क्या कहती है दुनिया तुझको, कान पर हाथ रख लेती है तेरे नाम के साथ, यानी कि तौबा तौबा। बात लखनऊ के पूर्व डीएम रहे अभिषेक प्रकाश के एक और किस्से की, जिन्होंने बदनामी के कई सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं। जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े, जहाँ जहाँ वो तैनात रहे, वहाँ उन्होंने नौकरी के साथ साथ कारोबार को भी तरजीह दी। हालांकि उनका पहला कारोबार बदनामी का है, लेकिन सरकार में जुगाड़ के दम पर वो लखनऊ जैसे बड़े जिले में करीब 3.5 साल तक डीएम रहे। अभिषेक प्रकाश ने अपने पदचिन्ह जिलों में ऐसे छोड़े हैं कि अब वो पाप उजागर होकर उनके जो बदनामी के दाग हैं एक एक करके सामने ला रहे हैं। आज हम ताज़ा मामला लेकर आए हैं अभिषेक प्रकाश के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े आरोप का, जो बरेली जिले से जुड़ा हुआ है। बरेली जिले में एक स्लाटर हाउस का कारोबार होता है, जिस पर यह आरोप है कि अभिषेक प्रकाश उसको खुला संरक्षण देते हैं। डीएम रहते वहाँ उससे वो काफ़ी जुड़े रहे और उनके मालिकों के साथ उनके पार्टनरशिप तक के आरोप हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री से अभिषेक प्रकाश की लिखित शिकायत की गई है, बीजेपी के नेताओं ने की है। जिस मीट फैक्ट्री को लेकर अभिषेक प्रकाश की शिकायत की गई है उसका नाम है मायरा फ्रोजन एग्रो फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड। ये बरेली ज़िले में है, ये जानवरों को काटती है ये फैक्ट्री। और आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में 300 भैंस भैंसा काटने की प्रतिदिन अनुमति है। लेकिन आरोप ये है कि बरेली के पूर्व डीएम रहे अभिषेक प्रकाश का मीट माफिया शकील और रुस्तम को संरक्षण था, जो कि दुधारू पशुओं की कटान करते थे, जो 300 से ज़्यादा 600-800 पशु रोज काटते थे। आरोप ये भी है कि जो ये स्लाटर हाउस बना है इसका ईटीपी प्लांट खराब है और पशुओं का सारा खून बोरवेल के माध्यम से ज़मीन में डाला जाता है। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री में आईएएस अभिषेक प्रकाश की पार्टनरशिप है, जिसकी सरकार को एसआईटी से जांच करानी चाहिए। चर्चा इस बात की भी है कि जो स्लाटर हाउस का मालिक है हाजी शकील कुरैशी, वो अभिषेक प्रकाश का बेहद निकट है और उसके माध्यम से अभिषेक प्रकाश बरेली से लेकर सत्ता के गलियारों तक लोगों को साधते रहे। शकील कुरैशी की बरेली पुलिस में बड़े बड़े अफसरों में काफ़ी जान पहचान है और वो सब अभिषेक प्रकाश के संरक्षण में फलती फूलती रहती हैं। आप बरेली पुलिस से लेकर पशुपालन विभाग तक को देख लीजिए, कोई शकील कुरैशी के मामले में हाथ नहीं डालता है। पहला, चूंकि अभिषेक प्रकाश का उसको संरक्षण है।
दूसरा रुपयों के दम पर उसने सबका मुंह बंद कर रखा है। तो यूपी के एक अफसर की भ्रष्टाचार की तमाम अनंत कथाएं हैं, जिसको रुपयों से प्रेम है और कितना इसकी कोई गिनती नहीं है। अभिषेक प्रकाश योगी सरकार के लिए एक बदनाम अफसर बनकर रह गए हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति के तमाम आरोप लगते हैं। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि अभिषेक प्रकाश के पास इतनी ज़्यादा अकूत संपत्तियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। योगी सरकार में वो जुगाड़ के दम पर हमेशा महत्वपूर्ण पद पाते रहे, लेकिन कारनामा करने से भी वो बाज नहीं आते रहे, और इसी का नतीजा है कि आज तमाम सारे लोगों के सामने उनके जो भ्रष्टाचार के किस्से हैं वो उजागर होते रहते हैं। बरेली में जानवरों को कटवा कर रुपया बनाने वाले अफसरों की लिस्ट में अभिषेक प्रकाश को भी अब आप शामिल कर सकते हैं, जो ऐसे स्लॉटर हाउस के मालिकों को खुलेआम संरक्षण देता हो, जो बीजेपी सरकार में योगी सरकार में जानवरों को कटवाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग अवैध स्लॉटर हाउस चलाते हैं, जो लोग गायों को भैंसों को काटते हैं, उन लोगों पर इस अफसर की कितनी मेहरबानी है। अभिषेक प्रकाश यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बदनुमा दाग बनते जा रहे हैं। योगी सरकार को चाहिए कि अभिषेक प्रकाश के कारनामों की एक विशेष टीम गठित करके जांच कराई जाए, क्योंकि उनके ऊपर संपत्ति बटोरने के, पैसा कमाने के तमाम सारे गंभीर आरोप हैं। लेकिन किन कारणों से उनकी जांच नहीं हो रही है, किन कारणों से उनके ऊपर लगे हुए आरोपों पर कार्रवाई नहीं होती, ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। हालांकि जब सरकारें काम नहीं करती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का जवाब वक्त देता है, ऊपर वाला देता है। आज पावर सेंटर में ऐसे अफसरों की हरकतों पर कुछ साहित्यकारों ने लिखा है, उसके साथ हम आपको छोड़ जाएंगे और सुनिएगा कि इसका नतीजा क्या होगा। कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त तुम जैसे इंसानों को नीलाम भी कर देता है। नमस्कार।